जाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी हाय हाय, साजे मोदी हाय हाय। मोदी दलित की बेटी है, किसान की बेटी है, मोदी तेरी बेटी नहीं है, क्योंकि तू अपनी पत्नी को छोड़ चुका है। मोदी तस्वीर असि हुण तुहानू विखाउण जा रहे हैं, तुसी वेख के भी यकीन नहीं करोगे। गर्भवती औरत फर्श ते ही अपने बच्चे नू जन्म देने लई मजबूर सी। मोगा सिविल अस्पताल दे एमरजेंसी वार्ड दे सामने पार्किंग दे कोल ही एक औरत ने अपने बच्चे नू जन्म दिता। परिवार मुताबक बच्चे दी डिलीवरी किसी होर ने नहीं, परिवार दीआं औरतां ने ही कराई। परिवार दा दोष सी कि इस तो बाद भी डॉक्टर वालों ना ही ना जम्मी बच्चे नू वेख्या गया उसकी माँ नू। क्या नाम है तुम्हारा? सर जी मेरा नाम रंग कुमार है। कुमार क्या हुआ क्या? सर जी हमारे घर में एक बेटी जन्मी है फ्लोर के ऊपर। कहाँ पे हुई है? सर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के फ्लोर के पार्किंग के अंदर। सर कब लेके आए थे? सर हम 5:30 इसको एडमिट लेके आए थे सर, एम्बुलेंस में। सर कौन सी एम्बुलेंस में? सर 108। तो क्या डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने सर हमको जवाब दे दिया, इमरजेंसी की चेयर आपके सामने है सर। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला फरीदकोट लेकर जाइए सर, उसका डॉक्टर का लेटर सर। अच्छा, जिसको हमने रेफर किया सर, ये देख लीजिए सर। ठीक है, तो उसके बाद फिर कहाँ पे हुई है? उसके बाद सर बेटी फ्लोर के ऊपर बंद है पार्किंग के अंदर सर। तो किसी डॉक्टर ने देखा नहीं इसको? हमें किसी डॉक्टर ने देखा, ना हमें कोई सुविधा मिली, ना कोई नर्स की सुविधा मिली, और यहाँ पर ना कोई किसी ठेकेदार की सुविधा मिली हमारे लिए। कोई प्राइवेट सेक्टर में भी कोई सुविधा नहीं मिली सर। मैं इमरजेंसी धक्के मतलब पूरा स्टाफ सोया था, और ये सर आपको इमरजेंसी की वो व्हील चेयर है सर। तो कहाँ लेके जा रहे हो? अभी सर दिल्ली लेकर जाऊंगा मोदी के पास, अपनी बेटी को, अपनी बहन को। देखता हूँ मोदी की ताकत है, किसानों की ताकत है, मजदूर की ताकत है। देश बेटी से चलता है, किसान से चलता है, मजदूर से चलता है। जब बेटी की हत्या यहाँ होगी, जब बेटी की हत्या फ्लोर के ऊपर होगी, तो मोदी कब तक रहेगा? किसान जिंदा रहेगा या मजदूर जिंदा रहेगा? बेटी जिंदा रहेगी भारत के अंदर, जब स्वास्थ्य मंत्रालय जिंदा रहेगा, जब पंजाब पुलिस जिंदा रहेगी। जब मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने चेक किया है, ना किसी ने देखा है, तो क्या है गवर्नमेंट, क्या है किसान, कहाँ जाएगा किसान, कहाँ जाएंगी बेटियाँ, क्या होएगा देश का? जी मोहित, मोहित तुम हॉस्पिटल में आए थे अपनी बहन को लेके। जी अब कैसी तबीयत है उसकी? सुबह तबीयत तो ये देखो, उन्होंने बताया, डॉक्टर कह रहे हैं, कहते इसके गुर्दे जो है वो खराब हो जाएंगे, कहते बाथरूम नहीं आ रहा, 2 बोतल लगा दी खून की, वैसे बोतलें लगाई है। कहते हम इन्हें वहाँ पे फरीदकोट रेफर कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने बोला, मैं कहा मैडम जी हमें नहीं लेके जाना, हमें तो यहीं इलाज करवाना। अच्छा। तो उन्होंने फिर भी एक बंदे से जबरदस्ती साइन करवा के तो रेफर कर दिया, गड्डी में भेज दिए। और बच्चा? बच्चा भी साथ में गया है। डिलीवरी का सुबह कैसे हुआ, कैसे डिलीवरी कैसे हुई थी? डिलीवरी तो जो बहुत खराब हुई, यहाँ पे बाहर हुई है पार्किंग में। नहीं, जैसे अभी मैडम ने एम्बुलेंस आपको करवा के दिया, सुबह करवा के दिया था, तो एम्बुलेंस भी आई, सारा कुछ आया, सुबह कुछ नहीं आया। जो सुबह ऐसे आ जाता तो कुछ नौबत ही नहीं आनी थी। उधर इस पूरे मामले ते हस्पताल दे डॉक्टर दा कहना सी कि मरीज विच खून दी कमी सी, इस करके उस नूं फरीदकोट दे मेडिकल कॉलेज विच रेफर कीता गया। सर अज इक महिला दी डिलीवरी जिहड़ी हैगी है एमरजेंसी, उह बच्चा वार्ड दे बाहर ही ग्राउंड शुरू हुई है, ते कितना दी कंडीशन है जी उहदी? उहनां दी कंडीशन जिहड़ी है स्टेबल कर ली गई सीगी, इत्थे बच्चा बिल्कुल ठीक है, बेटी होई सी उह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने थोड़ी जी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि पेशेंट अगे हाई रिस्क प्रैगनेंसी का सगा, जिसके करके उन्होंने रैफर किया गया, पर डिलीवरी तो बाद रिपोर्ट एडमिट करवाता, साडा नाल एक स्टाफ का मैंबर गया जिन्हें एडमिट कराया, और मेरी गल हुई है, पेशेंट की कंडीशन जी स्टेबल है। डॉक्टर साहब जिदा कि अज केस होया, इदा पहला भी 2 बार मोगा अस्पताल केस हो रहे हैं, केयर नहीं इन्नी हो रही गैनी? नहीं, केयर वालों कोई नहीं हैगी, कार्ट इन डिलीवरियां होंगे, 450 डिलीवरियां हो रही हैं, और जी अज की हैगी है इन पेशेंट को प्रॉपर टाइम दे जो आया से देख के इनू रैफर किया गया, और पेशेंट ने गड्डी ते फरीदकोट मेडिकल कॉलेज जान तो ना करती, कहिंदे असीं अपनी गड्डी ते प्राइवेट हॉस्पिटल जावांगे, और उन्नी देर उन्हें वेट करने लिए कमरे किया गया, जो तक गड्डी ना आए पेश उन्नी देर दूसरी डिलीवरी आ गई जी करन लग पे, तो पेशेंट अटेंडेंट अपने आप उतर के ही नीचे चले गए। एम्बूलेंस तो उन्होंने एक बार भी जी मंगी नहीं, उन्होंने तो रात एम्बूलेंस साड़ियाँ खड़िया होंगे और लैके जाती हैं सारी रात पेशेंट रैफर होंगे, दे रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज करता से असं मेडिकल कॉलेज फरीदकोट नहीं जाना, असं प्राइवेट हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। हाँ जी, फरीदकोट मेरी गल हुई है, जेडे इस टाइम उत्थे एमरजेंसी जेडे लेडी डॉक्टर सी उन्होंने मेरी गल हुई है बकायदा, एंड शी सेज़ कि पेशेंट जो स्टेबल है।